हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मेरा नाम है हितेंद्र, आप देख रहे हैं ड्राइव एक्सट्रीम इंडिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे महिंद्र की मैराज़ो के बारे में। हाँ जी हाँ, महिंद्र की मैराज़ो जो कि अभी 3 सितंबर को लॉन्च होने वाली है। जी, मैंने एक एक्सक्लूसिव वॉक अराउंड लिया हुआ है। जी हाँ, महिंद्र की जो प्लांट है जहाँ पे मैराज़ो का टेस्टिंग चल रही थी, तो वहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे मुझे मैराज़ो दिखी, तो वहाँ पे मैंने एक वॉक अराउंड लिया। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि जी हाँ, दिखने में गाड़ी कैसे जी है। ये एक्सक्लूसिव ड्राइव एक्स मीडिया फुटेज है, वीडियो जो आप अभी देखेंगे। जी हाँ, इसका पूरा आपको 360 डिग्री का पूरा एक वॉक अराउंड दिखाऊंगा कि गाड़ी का दिखने में कैसी है, आगे से फ्रंट उसका लुक कैसा है, साइड लुक कैसा है, रेयर व्यू कैसा है, तो ये सब आज इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ कुछ गाड़ी के बारे में भी जानेंगे कि गाड़ी के स्पेसिफिकेशन क्या है। जी हाँ, गाड़ी एक्चुअली में अभी तो ज़्यादा रिवील नहीं हुआ है कि गाड़ी में क्या क्या आने वाला है, लेकिन जो भी मुझे पता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम अपना वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। इंजन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे महिंद्र की तरफ से हमें 1.6 लीटर का, जी हाँ 1.6 लीटर का डीजल इंजन आने वाला है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। बेहतरीन इन द सेंस, इसको काफ़ी जगह रोड पे परफॉर्मेंस मतलब चलते हुए देखा गया है, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि जी हाँ, गाड़ी काफ़ी पावरफुल होने वाली है। बात तो हो गई, तो अगर मैं इस गाड़ी की बात करूँ तो जी हाँ, ये एक 7 सीटर है, जो लुक्स में आप देख सकते हैं ये एक 7 सीटर है, और ये एक MPV लुक के साथ आती है। जी हाँ, इसे हम महिंद्र की SUV नहीं बोल सकते, ये एक MPV है, आप देख सकते हैं। तो और अगर मैं इसके कंपटीशन की बात करूं तो इसका सीधा सीधा कंपटीशन मारुति के MPV से अर्टिगा पे जाता है। जी हाँ, अर्टिगा से इसका काफ़ी अच्छा खासा टक्कर होगा, जो आने वाले समय में हमें दोनों का कंपैरिजन वीडियो हम आपको बताएंगे कि कौन सी गाड़ी कैसी है। तो लुक्स में तो गाड़ी काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है, देखने से काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी, अर्टिगा से थोड़ी बड़ी मुझे लग रही है, जिसका हाइट और विड्थ दोनों काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा अर्टिगा के मुकाबले। हालांकि भी अर्टिगा नहीं आने वाली है, तो उसका हाइट विड्थ भी शायद वहाँ पे चेंज किया गया हुआ है, तो वो मैं एकदम एक्यूरेटली बता नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा तो मुझे महिंद्र की जो मैराज़ो है वो इससे ज़्यादा बड़ी लग रही है। चीज़ और मैंने गौर की, जी हाँ, इसका जो इंजन नॉइज़ है, इंजन नॉइज़ यहाँ पे गाड़ी का थोड़ा मुझे आता है। जी हाँ, महिंद्र की सारी गाड़ियों में इंजन नॉइज़ आता है, और इसमें भी मुझे थोड़ा इंजन नॉइज़ लगा। इंटीरियर की बात करूँ, जी हाँ, मैंने गाड़ी का इंटीरियर भी देखा। गाड़ी का इंटीरियर मैं बता रहा हूँ, अभी तक महिंद्र की जितनी भी गाड़ियाँ हैं मुझे सबसे ज़्यादा इंटीरियर इसका पसंद आया। जी हाँ, मैंने इसको देखा, जो मेरी ये जो गाड़ी है, जो मॉडल अभी आप देख रहे हैं, ये एक टॉप मॉडल है, क्योंकि इसमें मैं टच स्क्रीन भी था, तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। गाड़ी के अंदर टच स्क्रीन भी है, काफ़ी एकदम प्रॉपर प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आ रहा है। अब देखते हैं गाड़ी की प्राइसिंग क्या होगी, कैसे होगी, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 3 सितंबर या 4 सितंबर को मैं इसका गाड़ी का एक वॉक अराउंड लेके आऊँगा। जी हाँ, जब एक गाड़ी शोरूम में आ जाएगी, लॉन्च हो जाएगी, तो हम इस गाड़ी का पूरा एक रिव्यू बनाएंगे, इंटीरियर का, एक्सटीरियर का, कैसे है गाड़ी का टेस्ट ड्राइव भी लेंगे, जब इसका हमें गाड़ी चलाने को मिल जाए। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।